आपको पता है कि हाफ गर्लफ्रेंड कौन होती है? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये बात तो नच बलिए की होस्ट उपासना सिंह को भी नहीं पता थी। तभी तो देखिए, जब अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर नच के सेट पर पहुंचे अपनी फिल्म को प्रमोट करने, तो उपासना हाथ में फ्रूट्स का प्लेट लेकर पहुंच गई, और फिर क्या हुआ, कुछ ऐसा हाल। वेल, शो में साथ में मलाइका अरोरा भी थी। अब आप तो ये जानते ही हैं कि अर्जुन और मलाइका एक दूसरे को करते हैं अवॉइड, मगर जूम ने आपको दिखाया था इन दोनों की झलक हग करते हुए भी। दोनों एक साथ जज की चेयर पर भी थे, मगर प्रमोशनल फुटेज में मलाइका अर्जुन की एंट्री शॉट में कहीं नजर नहीं आई। चली टॉप अप में हमारे साथ हैं सीरियल ससुराल सिमर का में सिमर की बहू का किरदार निभाने वाली रोशनी यानी टीवी स्टार निकी, जिन्होंने जूम से बात करते हुए किया रिवील अपने स्टाइल स्टेटमेंट और ज्वेलरी के बारे में। मुझे ना जितनी हल्की ज्वेलरी रहे मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक सबको अच्छा लगता है, लेकिन इट शुड बी प्रिटी, इट शुड बी वेरी नाइस। एंड जैसे ये वाले हैं, ये वाले बहुत मतलब इंडियन नहीं है, यू नो आप अगर कुछ वेस्टर्न पहनोगे तो उस पर भी आई थिंक अच्छे से सूट हो जाएंगे, या आजकल वो धोती कुर्ता टाइप्स होते हैं उस पर बहुत अच्छा लगेगा, क्रॉप टॉप्स एंड वैसे अगर आप थोड़ा वैसे स्कर्ट पहनो तो आई थिंक उस पर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे यूजुअली मैं ऐसे ही झुमके या कुछ पहनती हूँ अपनी साड़ियों के साथ। मुझे साड़ियों से पर्सनली मतलब मैंने कभी पहनी नहीं थी ये शो करने से पहले, बट जब से यहाँ पे साड़ी पहनना शुरू किया है, एक तो पहले मुझे आता नहीं था, मुझे चलने में भी बड़ा अजीब लगता था, बट नाउ आई हैव गॉटन सो कंफर्टेबल दैट जिस दिन छुट्टी रहती है तो मुझे मतलब अजीब सा फील होता है व्हेन आई एम इन माय नॉर्मल क्लोथ्स। तो आई थिंक बहुत अच्छे से मैं अडेप्ट कर रही हूँ, प्लस दिस ज्वेलरी एंड जो भी मतलब जैसे आप ये सब देख सकते हैं, ये सब तो एवरी डे का वो होता है, बट विद दैट आई शो यू मेरा एक पर्सनल फेवरेट जो कि मतलब आजकल सारी यंग लड़कियों को बड़े अच्छे लगते हैं, चोकर्स। सो दिस इज वन ऑफ देम, ये ऐसा हाफ मून है, इट्स अ क्रिसेंट। फॉर ऑल द गरमागरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज़ एंड मोर, डाउनलोड द ज़ूम ऐप नाउ।